हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे न्यू चैनल क्रिकेट हाइलाइट्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई खबर से। तो दोस्तों हम बात करेंगे T20 विश्व कप में कौन होगा जडेजा का जोड़ीदार। चहल विश्नोई समेत ये पांच स्पिनर हैं दावेदार। जी हाँ दोस्तों, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के स्क्वाड के लिए पहले से तय माने जा रहे हैं, जबकि पिछले साल T20 विश्व कप के लिए नहीं चुने गए युजवेंद्र चहल उनके जोड़ीदार बनने की रेस में सबसे आगे हैं। वहीं दोस्तों IPL 2022 में अब तक गेंदबाज का बोलबाला ज़्यादा रहा है, वहीं स्पिनर्स का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। इस सीज़न में अब तक गेंदबाजों ने कुल 185 विकेट चटकाए, इसमें से तेज गेंदबाजों ने 128 विकेट लिए, वहीं स्पिनर्स ने 57 विकेट लिए। इस साल ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप भी होना है, ऐसे में विश्व कप को लेकर भी भारतीय चयनकर्ताओं की नज़र खिलाड़ियों पर बनी हुई है। खास तौर पर स्पिनर्स को चुनने के लिए चयनकर्ताओं को काफ़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कई स्पिनर्स इस रेस में बने हुए हैं। हम आपको उन पांच स्पिनर्स के नाम बता रहे हैं जो कि T20 विश्व कप के लिए चुने जाने की रेस में सबसे आगे हैं। युजवेंद्र चहल आगामी विश्व कप में टीम इंडिया के एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। इस सीज़न में IPL में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा, वह 3 मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं। वहीं उनका इकोनॉमिक रेट सिर्फ 5.25 का रहा है, जो कि बेहद शानदार है। वहीं वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में वह दूसरे और श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर थे। जडेजा के साथ उनकी जोड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। उनकी लेग स्पिन और कुगली विपक्षी टीम और उनके बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। दूसरे नंबर पर हैं रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई ने 2020 में Under-19 विश्व कप में ही तहलका मचा दिया था। फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने घातक बल्लेबाजी की थी। हालांकि भारत यह विश्व कप हार गया था, लेकिन बिश्नोई उस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। और वहीं 2020 में मुंबई से लड़कर पंजाब ने रवि को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह अपने पहले ही सीजन में पंजाब के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर बने। और वहीं 2021 में IPL में रवि के नाम 9 मैचों में 12 विकेट रहा। इस सीज़न में वह 4 मैचों में 4 विकेट ले चुके हैं। इनका इकोनॉमी रेट 6.81 रहा है। बिश्नोई गुगली में माहिर हैं और यह गेंद ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप में काफ़ी काम आ सकती है। तीसरे नंबर पर आते हैं ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। टीम इंडिया में जगह बनाने वाले सबसे मजबूत दावेदार हैं। वह लोअर ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। सुंदर पावर प्ले में भी गेंदबाजी करने में सक्षम है और यही खासियत उन्हें बाकी स्पिनरों से अलग बनाती है। इस सीजन में भी लखनऊ के खिलाफ पावर प्ले में 2 और चेन्नई के खिलाफ 1 विकेट लिया था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की पिच पर वह स्पीड वेरिएशन से बल्लेबाजों को चौंका सकते हैं। इस सीजन में भी उन्होंने अब तक काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है। दोस्तों चौथे नंबर पर हैं राहुल चाहर। राहुल चाहर भी काफ़ी हद तक टीम इंडिया के प्लान में शामिल हैं। चाहर को चहल के रिप्लेसमेंट के तौर पर बैकअप में शामिल किया जा सकता है। चाहर ने घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और IPL में भी उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। उन्होंने 2020 में मुंबई की जीत में अहम रोल अदा किया था। इस सीज़न वह अब तक पंजाब के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अब तक 4 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा उन्हें बैकअप के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों पांचवें नंबर पर आते हैं हमारे चाइना मैन। जी हाँ दोस्तों, चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव भी T20 विश्व कप के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। एक वक्त कुलदीप टीम इंडिया के स्ट्राइक स्पिनर थे, हालांकि बीच में कुछ सालों में उनके प्रदर्शन में गिरावट आई और उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। IPL में अब तक शुरुआती मैचों में कुलदीप ने दिल्ली के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वहीं 3 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं। उनका इकोनॉमिक रेट भी 6.94 का है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजों को यह भी फिरकी में फंसाने के में कामयाब हो सकते हैं।